दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको चार ऐसे बिजनेस आइडियाज बताने वाला हूं जिनको मेरे आसपास में कुछ लोग कर रहे हैं और अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। इन चारों बिजनेस आइडियाज की सबसे अच्छी बात क्या है, इनको शुरू करने के लिए आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ने वाली। इनको आप 5 से लेकर 10,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लो इन्वेस्टमेंट में बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इन चारों बिजनेस आइडियाज में से मैं किसी भी बिजनेस के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाऊं कि अगर आपको बिजनेस शुरू करना है तो आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, आपको कस्टमर्स कैसे मिलेंगे, सारी चीजें कैसे होने वाली है, तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। देखिए दोस्तों इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियो बनाए थे और लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी, तो मैंने वो वीडियो डिटेल में बना के अपने चैनल के ऊपर डाले हैं। जैसे कि आपको सॉफ्टवेयर मेकिंग बिजनेस के ऊपर डिटेल में वीडियो मिल जाएगा, इसके अलावा आपको फ्रेंच फ्राइज आउटलेट आप कैसे ओपन कर सकते हो इसके ऊपर भी डिटेल में वीडियो मिल जाएगा, आर्टिफिशियल टर्फ को आप कैसे बना सकते हो, कैसे सारी चीजें होती है उसके ऊपर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है। तो इसी प्रकार इन चारों में से अगर आपको चाहिए कि मैं किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। और दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। हे दोस्तों मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आप देख रहे हैं कमाओ और कमाने दो यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं आपको जो चार बिजनेस आइडियाज बताने वाला हूं आप उनमें से कोई बिजनेस शुरू करें या कोई और बिजनेस शुरू करें, लेकिन बिजनेस को शुरू करने के साथ साथ आपको थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट में भी ध्यान देना चाहिए। और इन्वेस्टमेंट करने का सबसे अच्छा तरीका होता है स्टॉक मार्केट। अगर आप स्टॉक मार्केट में अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको अपना डीमैट अकाउंट जियोजित के साथ ओपन करवाना चाहिए। अब दोस्तों मैं आपको ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि दोस्तों जियोजित एक ऐसी कंपनी है जिनको कैपिटल मार्केट का 30 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है। इसके अलावा दोस्तों इनके पास 1 मिलियन से भी ज्यादा क्लाइंट्स हैं और मैं आपको बता दूं इनकी 460 से भी ज्यादा ब्रांचेस इंडिया और जीसीसी कंट्रीज में मिलाकर हैं। और ये अपने सीमलेस ऑनलाइन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों इनके पास एक और जबरदस्त प्रोडक्ट है जिसका नाम है स्मार्ट फोलियोस। इसके अंदर वेल रिसर्च स्टॉक्स के अलग अलग बास्केट्स होते हैं जिसके अंदर अगर आप चाहो तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जियोजित अपने क्लाइंट्स को इंटरनेट, फोन, व्हाट्सएप, इसके अलावा ब्रांच नेटवर्क के थ्रू सर्विस प्रोवाइड करता है। इनकी इनहाउस रिसर्च टीम्स है जो आपको इक्विटी और म्यूचुअल फंड के लिए रिकमेंडेशन प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों आप 5 सिंपल स्टेप्स में अपना डीमैट अकाउंट जियोजित के साथ ओपन करवा सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले मोबाइल नंबर और कैप्चा को एंटर करें, उसके बाद में अपना नाम और ईमेल एड्रेस एंटर करें, फिर पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ को एंटर करें। अगर पैन वेरीफाइड नहीं है तो डिजी लॉकर या ऑफलाइन आधार में से चूज करें। उसके बाद में अपने बैंक डिटेल्स एंटर करें जैसे कि IFSC कोड, अकाउंट नंबर, ये सारी चीजें। उसके बाद में अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें जैसे कि पैन कार्ड और बैंक प्रूफ। और दोस्तों फाइनली उसके बाद में ई साइन करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और दोस्तों जियोजित में डीमैट अकाउंट ओपनिंग चार्जेस 0 है। इसके अलावा 31 मार्च 2022 तक अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस भी 0 है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको पोर्टफोलियो एनालाइजर टूल का कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में एक्सेस मिलेगा जिसका एक्चुअल प्राइस है 15,000 रुपए। तो दोस्तों जियोजित का डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो अभी का अभी जाइए उस लिंक पे क्लिक कीजिए और अपने लिए डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए और अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू कीजिए। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं उन चार बिजनेस आइडियाज के बारे में। सबसे पहला बिजनेस आइडिया है रियल एस्टेट प्रमोटर। अब ये रियल एस्टेट प्रमोटर एक्जेक्टली होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों हमारे आसपास में बहुत सारे एजेंट्स होते हैं जिनके पास तरह तरह की प्रॉपर्टीज होती है। कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती है जिनको बेचना होता है, कुछ ऐसी होती है जिनको रेंट आउट करना होता है। इसके अलावा जो एजेंट्स होते हैं उनको प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारे काम आते हैं जैसे कि स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, गवर्नमेंट की जितनी भी फॉर्मेलिटीज होती है वो भी उनको आती है। अगर किसी कस्टमर को होम लोन की जरूरत है तो उसको होम लोन कैसे दिलवाना है वो भी उनको आता है। इसके अलावा एग्रीमेंट कैसे बनता है सारी चीजें उनको आती है। लेकिन बहुत सारे एजेंट ऐसे होते हैं जिनको ये नहीं पता होता कि इंटरनेट की मदद से कैसे अपने बिजनेस को बढ़ाएं। तो दोस्तों यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी निकल कर आती है, आप रियल एस्टेट प्रमोटर बन सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। अब आपको एग्जैक्टली करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों मेरे आसपास में एक आदमी है जिसने ये काम किया और बहुत ही कम समय में अच्छे खासे पैसे कमाए। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा इंटरनेट के ऊपर अभी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप अपनी प्रॉपर्टीज को लिस्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल बताऊं, मकान.com, magicbrick.com, 99acres.com, इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे कस्टमर्स मिल जाएंगे। मान लीजिए कोई कस्टमर मुंबई में रहता है और उसको घर खरीदना है तो वो इन प्लेटफॉर्म्स पे जाएगा और चेक करेगा कि क्या कोई प्रॉपर्टी अवेलेबल है। अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी वहाँ पे लिस्ट की होगी तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको भी कस्टमर्स मिलेंगे और अगर वो कस्टमर कन्वर्ट होते तो आप अच्छे खासे पैसे कमा पाओगे। अब दोस्तों उस आदमी ने क्या किया, उसने अपने आसपास में जो भी एजेंट्स होते हैं जिनको ज्यादा टेक्नोलॉजी का पता नहीं है, उनको ये नहीं पता कि इंटरनेट की
मदद से कैसे बिजनेस को बढ़ाया जा सकता है, कैसे लीड्स को जनरेट किया जा सकता है, उनसे कॉन्टैक्ट किया और उनको बोला कि आपको मैं कस्टमर्स प्रोवाइड करूंगा, अगर मेरे कस्टमर में से कोई भी कन्वर्ट होता है, कोई भी डील क्लोज होती है, तो आपका जितना भी ब्रोकरेज होगा उसमें से आधा पैसा आप मुझे देंगे। अब दोस्तों मान लीजिए कोई फ्लैट है 50 लाख रुपए का और अगर वो बिक जाता है तो उसका ब्रोकरेज होता है 2%, तो 2% का हो जाता है 1 लाख, तो 1 लाख में से 50,000 इसको मिलेगा और 50,000 ब्रोकर को मिलेगा। तो दोस्तों इस प्रकार उसने काम करना शुरू किया और बहुत ही कम टाइम में उसने अच्छा खासा पैसा कमाया। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, इनिशियली उसने क्या किया, 2-3 एजेंट को पकड़ा जिनका लोकल एरिया में बहुत अच्छा नेटवर्क है, जिनके पास अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज अवेलेबल है, पहले उनके साथ काम किया और अब वो क्या करता है, डायरेक्टली बिल्डर्स के साथ काम करता है। मान लीजिए कोई नई बिल्डिंग बनती है तो वो बिल्डर को बोलता है कि आपके जितने भी फ्लैट्स हैं सारे के सारे मैं बिकाऊंगा और किसी एजेंट को आप बेचने के लिए नहीं देंगे और मैं गारंटी लेता हूं कि आपके सारे फ्लैट्स बिकेंगे ही बिकेंगे। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जितने भी बिल्डर्स होते हैं उनका मेनली काम क्या होता है, बिल्डिंग को बनाना और उसके बाद में वो अपना झंझट दे देते हैं किसी और को, मतलब सेल करने के लिए वो किसी और को दे देते हैं। तो ये क्या करता है, डायरेक्टली बिल्डर से कॉन्टैक्ट करता है और उनके सारे फ्लैट्स को बिकाने का काम करता है। अब देखिए मान लीजिए बिल्डर का एक फ्लैट बनकर तैयार हो जाता है 30 लाख रुपए में और बिल्डर बोल देता है कि भाई एक फ्लैट का मुझे कम से कम 40 लाख रुपए तो चाहिए ही चाहिए, इसके ऊपर अगर तू 42 लाख में, 45 लाख में, 48 लाख में, 50 लाख में, जितने भी अमाउंट में बेच सकता है वो तेरा पैसा होगा। तो आजकल दोस्तों वो इस तरीके से करता है। मान लीजिए अगर किसी फ्लैट का प्राइस बिल्डर ने कहा कि मुझे 50 लाख चाहिए तो उसी फ्लैट को वो 60-65 में बेचेगा और अच्छा खासा पैसा कमाएगा। तो दोस्तों आप भी ये काम शुरू कर सकते हैं, आप भी रियल एस्टेट प्रमोटर बन सकते हैं, कस्टमर्स को ला सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। अब दोस्तों हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ख्याल आ रहा होगा कि हम ये काम तो शुरू करना चाहते हैं लेकिन हमको लीड्स कहां से मिलेंगे, हमको कस्टमर्स कहां से मिलेंगे। देखिए दोस्तों मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप अपनी प्रॉपर्टी को लिस्ट कर सकते हो, वहां से आपको कस्टमर्स और लीड्स मिल सकते हैं। अब आपके मन में ख्याल आएगा कि ऐसे तो बिल्डर डायरेक्टली भी कर सकते हैं और भी बहुत सारे एजेंट्स हैं वो भी कर सकते हैं, तो हमको ही लीड कैसे मिलेंगे। देखिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर प्रॉपर्टी लिस्ट करना कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में नहीं है, आप एक या दो प्रॉपर्टी को फ्री ऑफ कॉस्ट में लिस्ट कर सकते हो लेकिन उसके बाद में अगर आपको करना होगा तो उनके पैकेजेस आपको बाय करने पड़ते हैं। तो इसमें मान लीजिए आपने उनसे कोई पैकेज बाय किया जिसके अंदर आपको उन्होंने दे दिया कि आप एक महीने के अंदर 30 प्रॉपर्टी को लिस्ट कर सकते हो, 40 प्रॉपर्टी को लिस्ट कर सकते हो, या फिर एक साल के अंदर 500 प्रॉपर्टी को लिस्ट कर सकते हैं, 1000 प्रॉपर्टी को लिस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको बैनर्स भी मिल जाते हैं। कभी भी देखिए आप इनकी वेबसाइट पर विजिट करेंगे ना तो इनके होम पेज पे आपको छोटे छोटे बैनर्स दिखाई देंगे, तो वैसे बैनर्स भी आपको मिल जाते हैं। अगर इनके होम पेज पे अगर आपका बैनर दिखाई देगा तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको कस्टमर वहां से मिल सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो वेबसाइट्स होती है इनके ऊपर आप लिस्टिंग बाय कर सकते हैं। इसके अलावा डेटाबेस भी बेचे जाते हैं, तो डेटाबेस भी आप बाय कर सकते हैं। फिर आपको क्या करना होगा, एक दो लोगों को लगाना होगा फोन करने के लिए। डेटाबेस आप कैसे बाय करेंगे, मान लीजिए आप जिस भी लोकेशन में रहते हैं तो आपको इनसे कॉन्टैक्ट करना है, आपको इनको कहना है कि मेरे एरिया में जितने भी लोग प्रॉपर्टी रेंट पे लेना चाहते हैं या फिर खरीदना चाहते हैं उनका डेटा हमको दीजिए। एक बार आपको डेटा मिल जाएगा उसके बाद में आपकी टीम उनको फोन करेगी, मतलब जो भी कस्टमर्स है उनको फोन करेगी। अगर कोई भी इंटरेस्टेड होगा आपसे प्रॉपर्टी खरीदेगा तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा ये मार्केट में अभी चल रहा है, काफी लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं और अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। तो दोस्तों आपके आसपास में भी ऐसे बहुत सारे एजेंट्स होंगे जिनके कॉन्टैक्ट्स तो बहुत अच्छे हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कि इंटरनेट की मदद से कैसे लीड्स को जनरेट किया जाता है, कैसे कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जाता है। तो ये काम आप कर सकते हैं, आप रियल एस्टेट प्रमोटर बन सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस बिजनेस के ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। दूसरा बिजनेस आइडिया है ट्रांसलेशन सर्विसेज, मतलब दोस्तों आपको एक ऐसी कंपनी ओपन करनी पड़ेगी जिसके अंदर आप अलग अलग बिजनेसेस को ट्रांसलेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे और इसके अंदर आपको कुछ लोगों को ऐसा हायर करना पड़ेगा जिनको एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेशन का काम आता होगा। दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं रीजनल लैंग्वेजेस की बात नहीं कर रहा हूं, जैसे कि हिंदी टू मराठी हो गया या तमिल टू कन्नड़ हो गया, कन्नड़ टू हिंदी हो गया, इस तरीके की सर्विसेज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इंटरनेशनल लैंग्वेजेस की बात कर रहा हूं। आपको ऐसे लोगों को हायर करना होगा जिनको स्पेनिश आती हो, जर्मन आती हो, फ्रेंच आती हो, चाइनीज आती हो, इस प्रकार की लैंग्वेजेस जिनको आती है आपको ऐसे लोगों को हायर करना होगा। उसके बाद में आपको मार्केट से काम लेना होगा और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जो भी इंटरनेशनल लैंग्वेजेस होती है उसके अंदर पर वर्ड के ऊपर आपको अच्छा खासा पैसा मिलता है। पर वर्ड ट्रांसलेशन करने का आपको 3 रुपए से लेकर 12 से 15 रुपए तक मिल सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर रहे हैं। जैसे कि स्पेनिश के अंदर आपको 3 से 4 रुपया मिल जाता है, जर्मन में आपको 5 से 6 रुपया मिल जाता है, चाइनीज में थोड़ा सा ज्यादा होता है, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग प्राइस होता है।
अब दोस्तों मान लीजिए आपने एक ऐसी कंपनी ओपन कर ली, उसके अंदर आपने 2-3 लोगों को ऐसे हायर कर लिया जिन लोगों को स्पेनिश आती है, फ्रेंच आती है, चाइनीज आती है, जर्मन आती है, उसके बाद में आपको काम मिलने लग जाता है और आप अपने एम्प्लॉयज को पर वर्ड के हिसाब से पैसा देते हैं। अब मान लीजिए दोस्तों आपने किसी कंपनी से चाइनीज में ट्रांसलेशन का काम लिया और आपको 20,000 वर्ड्स का काम मिल गया। मैं मान लेता हूं पर वर्ड का नक्की होता है 5 रुपया, तो 20,000 वर्ड्स का हो जाता है 1,00,000 रुपया। अब आपके पास जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उसको आप 20,000 वर्ड ट्रांसलेट करवा सकते हो 2 रुपए में, 2.5 रुपए में, 1.5 रुपए में, 3 रुपए में, जितना ही प्राइस आप पे करना चाहते हैं उतना प्राइस पे कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप एम्प्लॉय को 3 रुपया पे करते हैं और आपको 5 रुपया मिला, तो पर वर्ड के ऊपर आपको 2 रुपए का प्रॉफिट होगा और 20,000 वर्ड पे आपको प्रॉफिट होगा 40,000 रुपए का। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा 20,000 वर्ड्स का मतलब हो गया मैक्सिमम 60 से लेकर 70 पेज। अगर कोई भी आदमी जो ट्रांसलेशन का काम जानता है 60 से 70 पेज को आसानी से 5 से 6 दिन के अंदर ट्रांसलेट कर सकता है, तो दोस्तों आप 5 से 6 दिन के अंदर इतना पैसा कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में काम करते हैं, तो अगर आप रीजनल लैंग्वेज में काम करेंगे तो ट्रांसलेशन के चार्जेस थोड़े कम होते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में आपको अच्छा खासा पैसा मिलता है। तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप ट्रांसलेशन सर्विसेज का बिजनेस करते हैं तो आपको इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए। अब दोस्तों हो सकता है आपके मन में 2 ख्याल आएंगे। सबसे पहला, हमको ऐसे लोग मिलेंगे कहाँ पे जिनको ट्रांसलेशन का काम आता है। देखिए आपके आसपास में ऐसी बहुत सारी क्लासेस होंगी जिनके अंदर जर्मन सिखाई जाती है, स्पेनिश सिखाई जाती है, इसके बाद में चाइनीज सिखाई जाती है, तो वहां से आपको ऐसे लोग मिल सकते हैं जिनको लैंग्वेज आती है। दूसरा, आपको कस्टमर्स कहाँ से मिलेंगे। देखिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा इंटरनेट के ऊपर ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर बहुत सारी कंपनी अपने आप को रजिस्टर करती है, जब भी उनको ट्रांसलेशन का कुछ काम करवाना होता है तो वो वहां पे पोस्ट करते हैं, तो वहां से आपको काम मिल सकता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल के हिसाब से बताऊं तो 1 आवर ट्रांसलेशन करके एक प्लेटफॉर्म है, अपवर्क है, फाइवर है, और सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन। आप लिंक्डइन के ऊपर अपना प्रोफाइल बना के भी वहां से काम ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर बिजनेस के ऊपर भी मैं डिटेल में वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। तीसरा बिजनेस आइडिया है आर्ट एंड क्राफ्ट बिजनेस। देखिए दोस्तों हमारे देश में अलग अलग लोकेशन में अलग अलग प्रकार के आर्ट एंड क्राफ्ट बनाए जाते हैं। कहीं पे बांस की बनी हुई चीजें होती हैं जैसे कि बांस की टोकरी, बांस की बाल्टी और भी अलग अलग बांस के प्रोडक्ट्स होते हैं। इसके अलावा कहीं पे एम्ब्रॉयडरी का काम होता है, कहीं पे कांच से बने हुए प्रोडक्ट होते हैं। तो हमारे देश में अलग अलग लोकेशन में अलग अलग प्रकार के आर्ट एंड क्राफ्ट बनाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे दुखद बात क्या है, जहां पे ये आर्ट एंड क्राफ्ट के प्रोडक्ट बनते हैं उनके आसपास के लोगों को इसकी वैल्यू नहीं होती, लेकिन इन प्रोडक्ट्स की वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में बहुत अच्छी होती है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं और उस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे ऐसे आर्ट एंड क्राफ्ट से बने हुए प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। अब मान लीजिए आप कहीं पर रहते हैं और आपके आसपास में कोई ऐसा आर्टिस्ट है जो आर्ट एंड क्राफ्ट के बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बनाता है, तो आप उसे प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। प्रोडक्ट को खरीदने के बाद आप अपने ब्रांड के नाम से उसको पैक करके अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे सेल कर सकते हैं। और देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, मान लीजिए आपने उसे प्रोडक्ट खरीदा 200 रुपए में और उस प्रोडक्ट को अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में बेचने जाएंगे तो वो आसानी से बिक सकता है $39 में, $49 में, $50 में, $100 में। अब दोस्तों मान लीजिए अगर आप मिनिमम $29 में भी बेचते हैं तो उसका प्राइस हो जाता है 2,000 रुपया। तो दोस्तों आपने 200 रुपए की जो चीज खरीदी उसको आप 2,000 रुपए तक बेच सकते हैं। 200 सिर्फ 2,000 में नहीं, उससे महंगा भी बेचा जा सकता है, लेकिन डिपेंड करेगा कि आप उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग किस तरीके से करवा रहे हैं। अगर आपने प्रोडक्ट की फोटोग्राफी बहुत अच्छी करवाई हुई है, इसके बाद में अगर आप फेसबुक के ऊपर, गूगल के ऊपर एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं तो आप अच्छे खासे अमाउंट में उसको बेच पाएंगे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा ऐसा करने से सबका फायदा होने वाला है, जो आर्ट एंड क्राफ्ट के प्रोडक्ट बेचते हैं उनके भी प्रोडक्ट बिकेंगे, दूसरा आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, तीसरा जो कस्टमर्स खरीदेंगे उनको डेकोरेशन के लिए बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट मिल जाएंगे और वो भी ऐसे प्रोडक्ट मिलेंगे जो उनको अपनी कंट्रीज में नहीं मिलने वाले। तो दोस्तों इसीलिए बाहर के कस्टमर्स $29, $50, $100 आसानी से पे कर देते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको सिंपली एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म क्रिएट करना होगा और अपने आसपास में जो भी आर्ट एंड क्राफ्ट के प्रोडक्ट बेचते हैं उनसे खरीद के अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करना होगा और उसके बाद में आप सेल करना शुरू कर सकते हैं। अब दोस्तों हो सकता है कुछ लोगों को लगेगा कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाने के लिए अच्छा खासा पैसा खर्चा होगा, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा इस चैनल के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताया था कि कैसे आप बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के साथ अपना खुद का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हो वर्डप्रेस और वूकॉमर्स की मदद से। तो उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सिंपली उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और अपने लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। चौथा बिजनेस आइडिया है एफिलिएट मार्केटिंग। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा पिछले कुछ सालों से एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस रहा है जिसमें लोगों ने बहुत ज्यादा पैसे कमाए। आज के टाइम पे बहुत सारे लोग एफिलिएट मार्केटिंग करके महीने का 1,00,000 रुपया, 2,00,000 रुपया, 5,00,000 रुपया, 10,00,000 रुपया, इससे भी ज्यादा पैसा कमाते हैं। तो दोस्तों आप भी कमा सकते हैं।
अब दोस्तों हो सकता है इस वीडियो को देखने वाले बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि एफिलिएट मार्केटिंग एक्जेक्टली होता क्या है, तो उनको मैं शॉर्ट में बता देता हूं। देखिए एफिलिएट मार्केटिंग मतलब क्या, मान लीजिए कोई कंपनी है जो कोई प्रोडक्ट बनाती है, तो आप इस कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, तो ये कंपनी आपको एक लिंक प्रोवाइड करती है और उस लिंक से अगर कोई भी प्रोडक्ट परचेस कर लेता है तो आपको कमीशन मिलता है। तो दोस्तों इसी प्रकार आजकल बहुत सारे लोग अलग अलग कंपनी के साथ जुड़ते हैं, उनके प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं और अच्छे खासे पैसे कमाते हैं। अब जो लोग लाखों में पैसे कमाते हैं वो लोग कैसे कमा रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, अगर मैं एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर वीडियो बनाने लगूँ तो पूरी प्लेलिस्ट बन सकती है, नंबर ऑफ वीडियोस बन सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। देखिए अमेज़न एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर बहुत सारे प्रोडक्ट बिकते हैं और अमेज़न भी एफिलिएट प्रोग्राम प्रोवाइड करता है, मतलब आप अमेज़न के साथ जुड़ सकते हैं और उनके एफिलिएट पार्टनर बनके उनके प्रोडक्ट्स को बिकवा सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए आपने एक वेबसाइट बनाई और उस वेबसाइट के अंदर आप सिर्फ एसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि कौन से एसी मार्केट में अवेलेबल है, कौन सा एसी किस प्राइस में आता है, एसी का क्या फायदा है क्या नुकसान है, कौन से एसी की कूलिंग कैपेसिटी क्या है। तो दोस्तों सोचिए गर्मी के टाइम में जब लोगों को एसी खरीदना होगा, तो आज के टाइम में क्या होता है किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले हम लोग इंटरनेट पे चेक करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, तो अगर कोई भी सर्च करता है बेस्ट एसी इन 2021 और आपकी वेबसाइट वहां पे आ जाती है और आपकी वेबसाइट पे सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में दी गई है, जैसे कि कौन से एसी मार्केट में अवेलेबल है, कौन सी कंपनी का एसी है जिसकी कूलिंग कैपेसिटी कितनी है, कौन से फायदे हैं कौन से नुकसान है, किस तरीके के लोगों को कैसा एसी खरीदना चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो लोग उस इंफॉर्मेशन को पढ़ेंगे। उसके बाद में अगर आपने वहां पर अमेज़न का लिंक दिया है, आपने कहा है कि अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो इस लिंक से परचेस कर सकते हैं, तो जिन लोगों को भी एसी परचेस करना होगा वो लोग एनीवेज अमेज़न की वेबसाइट पे जाके परचेस करने वाले ही हैं, तो वो लोग अगर आपकी लिंक से अमेज़न की वेबसाइट पे चले जाएंगे और किसी भी प्रोडक्ट को परचेस कर लेंगे, खाली एसी को नहीं एसी के अलावा भी किसी प्रोडक्ट को परचेस करेंगे, तो जितने भी प्रोडक्ट को परचेस करेंगे उसका कमीशन आपको मिलने वाला है। अब मान लीजिए एसी का प्राइस है 40,000 रुपया और अमेज़न ने आपको कहा कि 5% आपको कमीशन मिलेगा, तो 40,000 का 5% होता है 2,000 रुपया। अब देखिए आपकी वेबसाइट से अगर दिन में 2 कस्टमर भी अमेज़न के पास चले जाते हैं और प्रोडक्ट बिक जाते हैं तो आपको आसानी से 4,000 रुपये मिल सकते हैं, लेकिन अगर रोजाना के 10 कस्टमर जाएंगे तो 20,000 रुपये हो सकता है। तो दोस्तों इसी प्रकार बहुत सारे लोग आजकल क्या करते हैं, माइक्रो नीश में काम करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया एसी का, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि म्यूजिक से रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें काम करते हैं, कुछ लोग वॉशिंग मशीन में काम करते हैं, तो अलग अलग प्रोडक्ट्स में काम करते हैं, उनके लिए वेबसाइट बनाते हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और वहां पे अमेज़न का लिंक प्रोवाइड करते हैं, तो अगर कोई भी उस लिंक से परचेस करता है तो उनको कमीशन मिल जाता है। ये दोस्तों मैंने आपको एग्जांपल दिया अमेज़न का। तो दोस्तों इसी प्रकार मार्केट में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके साथ आप एज एन एफिलिएट जुड़ सकते हैं, उनके प्रोडक्ट्स को बिकवा सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊं कि कैसे आप वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, कैसे आप अमेज़न के साथ जुड़ के अपने प्रोडक्ट को लिंक कर सकते हैं, सारी चीजों के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊं, तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो जियोजित का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप अपने लिए डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नए कमाने के तरीकों के साथ।